तो ये रहे इंग्रेडिएंट्स। आंवला हमने आधा किलो लिया है, 350 ग्राम चीनी ली है और पानी उतना लेंगे जितने में आंवले हमारे डूब जाएं। तो अब हम लोग में पानी डालते हैं, उतना पानी डालना है जिसमें अच्छी तरह से ढक जाएं और इसको गैस पे रखेंगे, हाई फ्लेम पे रखेंगे जब तक उबाला नहीं आता। उसके बाद गैस को हम लो कर देंगे और इसको तकरीबन हम 7-8 मिनट इसको उबालेंगे या उतना टाइम उबालेंगे जब तक ये नरम नहीं हो जाते। बीच बीच में इसको स्टर करते रहेंगे। तो तकरीबन 7-8 मिनट लगने चाहिए, पानी में उबाला आ गया है तो गैस को हम कर देते हैं कम और ढक्कन लगा देते हैं। अब तकरीबन 6-7 मिनट हो चुके हैं, एक बार देख लेते हैं हम लोग को। तो आमले हमारे तकरीबन हो चुके हैं, एक दो मिनट और इसको ढक देते हैं और फिर चेक करेंगे। के बाद में हमारे आमले हो गए हैं, छुरी से एक बार चेक कर लेते हैं, गैस हमने बंद कर दी है और ये आसानी से अंदर चली गई है। तो अब इनको छान लेते हैं और बिल्कुल ठंडा होने देते हैं, उसके बाद में इसके इसके हम पीसेस कर लेंगे, छुरी के साथ में करेंगे ताकि क्लीन कट पीसेस आएं। आमले अब बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं, इसके पीसेस हम करेंगे। आप हाथ से भी पीसेस कर सकते हैं क्योंकि आमले जो हैं वो पक चुके हैं, लेकिन हम छुरी से कर रहे हैं ताकि पीसेस जो हैं वो बिल्कुल सही निकलें आकार में। तो जैसा आप चाहें उस तरह से इसको पीसेस कर सकते हैं। इसकी गुठली हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो सारी कलियां हमने निकाल ली हैं, अब चीनी डालते हैं इसके ऊपर, अच्छी तरह से फैला लेंगे और पतीले को ढक्कन से ढक देंगे 3 दिन के लिए। तो 3 दिन के बाद में आप देख सकते हैं कि चीनी का शरबत बन चुका है और आमले हमारे जो हैं उन्होंने चीनी को सोख लिया है जितना वो सोख सकते थे। अब कलियों को अलग कर लेते हैं और ये जो चीनी का शरबत बचेगा इसको हम बचा के अलग से रख लेंगे। तो सारी कलियां हमने निकाल ली हैं परात में, अब इसको अच्छी तरह से हम फैला लेते हैं। अगर कुछ कलियां आपस में जुड़ी हुई हैं तो उसको हाथ से अलग कर लें और जो चीनी का शरबत हमने निकाला है उसको साइड पे रख देते हैं। आपको बाद में बताएंगे कि इसका शरबत कैसे बनाया जाता है। तो कैंडी को हमने फैला लिया है, इसको रखेंगे धूप में और हमने इसको इतना सुखाना है कि ये हल्का हल्का गीला रहे। बिल्कुल इसको हमने नहीं सुखाना है, नहीं तो आंवला कैंडी बिल्कुल हार्ड हो जाएगी। तो थोड़ा सा इसको आपने नरम रखना है, बिल्कुल सख्त नहीं सुखाना है। और अब जो आंवले का शरबत है इसको हम पकाएंगे और आंवले का शरबत बनाएंगे। गैस पे रखते हैं, फुल हीट पे रखेंगे, उबाला आने देंगे, लगातार इसको स्टर करेंगे और इसको इतना पकाएंगे कि एक तार की चाशनी ये बन जाए। तो हमने आंवले का शरबत थोड़ा सा हमने गर्म कर लिया है, अब इसको छान लेते हैं। पहले गर्म इसलिए किया था क्योंकि सर्दी का मौसम है, ये ठंडा हो चुका था, छानना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तो छान के हमने जो उसका छिलके आंवले के या और जो भी उसमें कचरा है उसको हमने छान लिया अलग से और अब इसको हम रखेंगे गैस पर और फुल हीट पर रखेंगे। इसको उबाला आने देंगे और इसको एक तार की चाशनी बना लेंगे। तो उसी पतीले में हम इसको वापस डाल देते हैं और पका लेते हैं। आपने स्टील का बर्तन इसके लिए इस्तेमाल करना है आमले की कैंडी बनाने के लिए, या आमले का जो शरबत बना रहे हैं उसके लिए एल्युमिनियम का मात इस्तेमाल करें क्योंकि एल्युमिनियम खटाई से रिएक्ट करता है। तो चीनी की चाशनी में उबाल आ गया है, इसको लगातार स्टर करते रहें और अगर ज़रूरत पड़े तो गैस को थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। और बीच बीच में हम प्लेट पे इसको डालकर एक बूंद इसकी चेक करेंगे कि इसकी एक तार की चाशनी बन गई है नहीं, ये चिपकना शुरू हो जाना चाहिए। और इस तरीके से एक तार की चाशनी आप चेक कर लें। तो लगातार स्टर करते रहें जब तक ये शरबत एक तार का नहीं हो जाता। अब शरबत तैयार है, एक तार का हो चुका है। गैस को करते हैं बंद और आमले के शरबत को हम ठंडा होने देते हैं एक साइड पर। इसको रख देते हैं ढककर और ये हमारी कैंडी है जो हमने धूप में रखी है सुखाने के लिए। आमले का शरबत ठंडा हो चुका है, इसको बोतल में भरें और कस के कैप लगा के इसको फ्रिज में स्टोर करें, जब चाहें इसको इस्तेमाल करें। ये एक हेल्दी ड्रिंक है। तो तकरीबन 1/3 आमले का शरबत और बाकी पानी या जितना आपको पसंद हो उतना शरबत उतना पानी डालें। और अब चलते हैं अपनी कैंडी की ओर। कैंडी को हमने सुखा लिया है, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की, ये गीली है और नरम भी है ताकि ये बाद में सूखने पर सख्त ना हो जाए। इसमें डालेंगे पिसी हुई चीनी। तो चीनी आप अपने हिसाब से मिक्स कर लें क्योंकि जो फालतू चीनी है वो हम बाद में निकाल देने वाले हैं। तो चीनी
इसके ऊपर डालकर इसको हम कड़छी से ये अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद में जब ये सब आमलों पे अच्छी तरह से ये कोट हो जाएगी, बाकी की चीनी हम अलग से छान के निकाल लेंगे। तो ये रही आमला कैंडी, इसको बोतल में भरें, अच्छी तरह से कस के ढक्कन लगाएं और इसको जब चाहें खाएं। ये एक हेल्दी कैंडी है, और आमला शरबत आपको एज अ बोनस मिल रहा है इसके साथ में, उसको भी इस्तेमाल करें, हेल्दी ड्रिंक है। तो अपना फीडबैक दें, हमारी इस वीडियो को शेयर भी करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। शीघ्र मिलें एक नई रेसिपी एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।